हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 शुरू होने जा रहा है और ऐसे में अब आने लगे हैं ना सिर्फ कंटेस्टेंट्स के नाम बल्कि उनकी ताबड़तोड़ फीस भी। जी हाँ, एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर कैद होंगे और ऐसे में ये लोग अच्छी खासी रकम भी ले रहे हैं बिग बॉस के मेकर से। लेकिन आखिर कौन सा है वो कंटेस्टेंट जो लेगा सबसे ज्यादा पैसे, बताएंगे आपको हाईएस्ट पेड 3 कंटेस्टेंट्स के बारे में इस रिपोर्ट में। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। दोस्तों, वैसे तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि बिग बॉस के घर के अंदर जो कंटेस्टेंट आते हैं उनकी आने की लिस्ट एंड मोमेंट तक पर चेंज होती है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहे बिग बॉस सीजन 13 में आए असिम रियाज। असिम की एंट्री एंड मोमेंट की एंट्री थी और देखिए शो के फिनाले तक वो पहुंचे, फर्स्ट रनर अप भी बने। और अब ऐसे में जो 3 हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट्स के नाम सामने आ रहे हैं वो अपने आप में काफी चौंकाने वाले हैं। अभी तक तो जो लिस्ट सामने आई है उनमें से सबसे ज्यादा पैसे अगर किसी को मिल रहे हैं तो उस लिस्ट में नंबर 1 पर है आवेज दरबार का नाम। जी हाँ, आवेज दरबार ले रहे हैं हर हफ्ते के 15 लाख रुपए। तो वहीं जो दूसरा नाम सामने आ रहा है, इन मोहतरमा ने लॉकअप में अच्छा प्रदर्शन तो नहीं किया लेकिन मुनव्वर के कंधों पर बैठकर ये शो के फिनाले तक जरूर पहुंच गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंजलि अरोड़ा की। अंजलि अरोड़ा भी 15 लाख रुपए पर वीक के चार्ज कर रही हैं। तीसरा नाम अपने आप में काफी ज्यादा शॉकिंग है और तीसरा नाम है महेश पुजारी का। महेश पुजारी शो के अंदर एंटर हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि महेश पुजारी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है बल्कि ये अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। जी हाँ, ये टीवी इंडस्ट्री के क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं। इन्होंने कई सारी वेब सीरीज और गाने भी बनाए हैं। टीवी के और बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस को इन्होंने अपनी उंगलियों पर नचाया है। वेल, देखना होगा कि बिग बॉस इनको अपनी उंगली पर कैसे नचाते हैं। वेल, दोस्तों, ये हैं 3 शो के हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे नाम हैं जो अभी तक लिस्ट में फाइनल नहीं हुए हैं। कितने एक्साइटेड हैं आप इन 3 को देखने के लिए, हमें कमेंट्स में आप जरूर लिख कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।